साई राम, जय साई राम। साई गीता, साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के एक्सपीरियंस सुनते हैं, बाबा की लीलाओं का गुणगान सुनते हैं कि बाबा अपने भक्तों के साथ किस तरह से कृपा करते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे साई भक्त जुड़े हुए हैं जो बाबा से बे इंतहा प्यार करते हैं। बाबा से कब से जुड़े हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये बाबा से कब से जुड़े हैं और बाबा ने इनके साथ क्या क्या लीलाएँ की हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी। और आप बाबा से कब से जुड़े हैं? बाबा से जुड़े हुए तो बहुत साले हो चुकी हैं, लेकिन उनके दर्शन एक ही बार कर पाए हैं शिरडी जाकर। उनकी कोई अनुभूति आपके साथ हुई है? बहुत बड़ी अनुभूति हुई है। जब हम लोग शिरडी गए और जिनके माध्यम से, जिनके साथ हम लोग गए थे, और वहाँ पहुँचने के बाद हर पग पग पे एक चमत्कार हो रहा था हम लोगों के साथ। मैं गई थी, मेरे बेटी है, ये दोनों बेटियां हैं, और हम दोनों इनके सर के साथ ही गए थे। वहाँ पे जाने के बाद जिस आईडी से वो वहाँ गए थे, शिरडी पहुँचे थे, और वही आईडी वहाँ पे जाके उनकी कह दी गई कि ये आईडी से अब आप दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया। अच्छा। हाँ, तो हमें नहीं पता था। मेरी छोटी बेटी भी बाबा जी की बहुत भक्त है, मतलब पग पग उसको चीज़ें, वो तो वैसे उनका मतलब नाम ही लेके करती है, उनके नाम से ही करती है। फिर वो बोली, परेशान होके बोली कि मम्मा क्या बात है, क्या वो आप रिजर्वेशन हो गया? मैं कहा बेटा नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें वो कैंसिल हो गई हैं और सर की आईडी भी नहीं वो हो रही है। तो उसने कहा कि आपने बाबा से परमिशन ली? तो मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर हम लोग बोली जाइए पहले बाबा से परमिशन तो लीजिए कि हमें जाना है। तो जैसे ही हम लोग मंदिर जाके मत्था टेका, बाबा से आग्रह किया कि बाबा हमें अनुमति दीजिए वहाँ जा वापस जाने की, और जिस जगह से वापस गए थे उसी जगह पहुँच गए, रिजर्वेशन भी हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। पता भी नहीं लगा हम लोग कब जो है दिल्ली आ गए वहाँ से। क्या बात है, देखा आपने कि कहते हैं ना कि जब हम जाते अपनी मर्जी से, लेकिन आना उनकी मर्जी से होता है। जब तक हम उनसे इजाज़त नहीं लेंगे या जब से हम उनसे बाबा से बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। तो इन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, लेकिन इनकी बिटिया जो बाबा से बे इंतहा प्यार करती है, उसने इनको समझाया, और जब इन्होंने बाबा से इजाज़त ली तो वही टिकटें बाबा ने दोबारा करवाई और ये दोबारा से वापस आए। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है बाबा की। तो आइए इनकी बेटियों से भी बात करते हैं बाबा के बारे में, जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि बाबा की लीला इनके साथ किस तरह से हुई। जय साई राम। तांसी चौहान नाम है मेरा, और मेरे साथ तो बहुत ही जल्दी में जो भी मुझे दर्शन मिले बाबा के, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और पहली बार ही साई सचरित पढ़ने के बाद ही मुझे दर्शन इतने अच्छे से शिरडी में मिल गए जिसका मैं अनुमान भी नहीं था। और शिरडी में जाकर, इतने सारे देवस्थान पे गए हैं हम लोग, लेकिन शिरडी में जाके एक जो अपनापन है वो कभी नहीं भूल सकता इंसान। आँख बंद करो आज भी आपको वही अनुभूति बहुत अच्छे से मिल जाएगी। हर कदम कदम पे वहाँ पे लोग इस तरह से आशीर्वाद बरसा रहे थे जैसे लग रहा है कितने पुरानी जान पहचान हो। जो भी देखा था, अरे आप आए जबकि हम पहली बार गए थे। जो देखा था कह रहे आप बहुत टाइम बाद आए, आपको बहुत टाइम हो गया है वो, लेकिन हम पहली बार गए थे। और लोग ऐसे कहते थे जैसे हम कब से जानते हैं दूसरे को, क्योंकि बाबा के समय से भी आप बाबा के साथ थे, इसलिए वो बाबा के साथ थे, इसलिए वो आपको सब पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या हुई कि लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों को लाइन में लगना ही नहीं पड़ा। और बिल्कुल हमारे जो साथ में और जो सर गए थे वो थोड़ा सा हैंडीकैप थे, और उनके सहारे जो है हम दोनों को दर्शन बाबा ने ऐसे दिए कि मेन वीआईपी दर्शन हुए, भीड़ में भी नहीं लग रहा, दर्शन करके आए हैं बाबा के, भी कुछ नहीं किया हम लोगों ने, और सीधे जाके बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। क्या बात, आप कुछ कहेंगे बच्चे? जय साई राम। मेरा नाम प्रीति है, और वैसे एक एक्सपीरियंस मेरा भी है। एक बार ऐसा हुआ था कि घर में कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि चोरी काइंड ऑफ हो गया था, कुछ सामान इधर से उधर हो गया, तो बहुत सारे पैसे थे और पैसे भी चले गए थे। सो दैट टाइम साईनाथ को मानती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो उनके सामने एक ही अरदास लगाई थी, क्योंकि घर में कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आए थे तो उन पर अपनी बात आ रही थी। सो सिर्फ उनके ऊपर एक अरदास लगाई कि भगवान आपके ऊपर इज्जत है, आपके हाथों में इज्जत है, बेटी आपकी हूँ। मैं छोटी थी उस टाइम पर, क्लास में पढ़ती थी अराउंड 6th या 7th स्टैंडर्ड में। मैंने कहा था मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, शाम तक पैसे आ जाने चाहिए, कहाँ से कैसे सामान है मिल जाना चाहिए, वो सब आपके ऊपर है, छोड़ रही हूँ मैं। स्टडी करती रहो, छोटा सा बच्चा खाना पीना नहीं रोक सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, हेक्टिक था, बट आई डू। एंड उसके बाद शाम तक हुआ, ठीक है पैसे मिल गए। मैंने उनके शुक्राने के तौर पर मैंने कहा सुबह मैं अरदास करने जाऊंगी और मन्नत जो मैंने मांगी है उतने पैसे जरूर चढ़ा के आऊँगी।
तो सुबह ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम पर अराउंड ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3 से 5 बजे के बीच में मेरे उठने का टाइम होता था, मैं पूजा करती थी तो मैं और मम्मा हमेशा उठते थे। और उस टाइम पर क्या हुआ कि एक भक्त आए, कहने को वो भक्त है, उस टाइम पर हमारी गली में सभी लोग उठे रहते थे, मतलब जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं सफाई वगैरह करते हैं सभी उठे रहते हैं। और उनके उठने पर भी एक ज़्यादा उम्र के नहीं, जैसे साईनाथ के जो आप सीरियल देखते हैं उस एज में ही प्रॉपर एक मैन आए और उन भक्तजन ने प्रॉपर साईनाथ का लिबास पहन रखा था, सर पे बिल्कुल हाँ पग वो पग पहन रखी थी, प्रॉपर बाणा पहन रखा था वाइट कलर का और झोला ऐसे पकड़ा हुआ था। और सिर्फ ये जाते हुए घर के जब सामने से जाए तो उन्होंने सिर्फ 3 से 4 लाइन उन्होंने बोली कि माता की ज्योतें जगाने वाली, गुरुद्वारे जाने वाली, साईं को मानने वाली और अरदासे मेरे आगे लगाने वाली, आ गया तेरे दर पे आ जा तू बाहर, आ गया तेरे दर पे आ जा तू बाहर, 3 से 4 बार बोला। मैं कहा मम्मी कुछ हुआ, मतलब मैंने सुना कुछ। तो मम्मा उठे, मम्मी कहते कि अब तो बाहर जाना है। मैं कहा मम्मी चलें, बाहर गए, धुंध तो हो रही थी, ठंडी का टाइम था उस टाइम पर। तो बाहर जब हम गए, जब उनको दर्शन किए, सामने वाले भी उठे हुए थे, सब उठे हुए थे पर किसी ने उनको नहीं देखा। उनकी जो टिकट के पैसे जितने मैंने बोले थे अरदास के, तो सेम उतनी ही बोला, कहते कि ना मुझे साईनाथ का दरवाजा ना इतने टिकट के पैसे लगेंगे, मुझे इतने दे दीजिए। तो ये उस टाइम पर मैंने उस टाइम पर दे दिए मैंने मम्मी ने। बाद में जाकर सोचा, मैं कहा मम्मा ये मैंने अरदास यही तो लगाई थी, वो मैंने सुबह जाकर भी अभी पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद मुझे जाना था, उसके बाद ही मैंने कहा था कि तब मैं अन्न ग्रहण करूंगी, खुद ही आ गए लेने मम्मी आपके लिए। तो और वो एक मम्मी ने, वो मैंने मतलब उनके चरण स्पर्श किए, वो उस दिन वो पहला दिन था गली में कभी आज तक नहीं दिखे, कभी किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने इवन यू नेवर कैन इमेजिन, मैंने गली में बहुत से लोगों से पूछा कि आप इस एज आप इस टाइम पर उठते हैं, आपने देखा दे सक नो, कभी कोई आया ही नहीं। ये साईनाथ क्या बात, राज की जय। तो देखिए बाबा ने किस तरह से लीलाएं करी, कहां क्या बोला था बच्ची ने, और छोटी बच्ची थी, लेकिन बाबा को पता है कि जब इसने जो अरदास लगाई है वो जब तक वो पूरी नहीं कर लेगी तो वो खाना भी नहीं खाएगी, इसलिए बाबा खुद आ गए। कहते हैं ना हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक एक पल सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। कहते हैं जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, तो बच्ची ने जैसे भाव रखे बाबा ने उसके भाव सुने और उसके भाव की लगन देख के और बाबा खुद प्रकट हो गए। तो ये साईं का बहुत बड़ा अनुभव है और मैं सभी साईं भक्तों से कहूंगी कि अगर आप लोगों के पास भी साईं बाबा के एक्सपीरियंस ये हैं, साईं लीला हैं, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो ओम साईं राम, जय साईं राम।